हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल असीर में। दोस्तों आज हम आपको ग्लूगन बना के दिखाएंगे कि आप ग्लूगन कैसे बनाएंगे अपने घर पर, और अपने घर पर ही आराम से बना लेंगे आप। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये पहले आपको ये घड़ी वाले सेल लेना होंगे। दो सेल चाहिए आपको, तो दो सेल ले लेंगे। ये सेल का क्या करेंगे, आपका ये जो है इसका कवर है ये हटा लेंगे यहाँ से, ये कवर यहाँ से आप हटा लेंगे। दोस्तों इस कवर को हम आराम से निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये कवर हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, हमने ये कवर निकाल लिया है यहाँ से, और इस कवर एक ये कवर हमने एक निकाल लिया है, एक कवर हमें और निकालना है, तो ये दो कवर निकालेंगे हम। दोस्तों ये हमने कवर निकाल लिया है अपने सेल के, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको कवर सीधा कर लेंगे पहले। तो दोस्तों हम इसको प्लास की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। तो हमने इसको सीधा कर लिया है, उसके बाद हम इसके साइड जो है कटर से काट देंगे, इसके जो साइड है कटर से काट देंगे। तो हमने दोस्तों इसको देख लीजिए कटर से ये काट लिया साइड है, काट लिया, ये कट गई है। इसी तरीके से हम दूसरे वाला भी काट लेंगे। तो दोस्तों हमने अपने सेल को ये सीधा कर लिया है। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको पेन की मदद से इसको कीप नुमा बनाएंगे हम। तो आपको दिखाते हैं कीप नुमा कैसे बनाएंगे, कीप टाइप का बना लेंगे ये। दोस्तों हमने इसको अपने ये सेल के टाइप को कीप नुमा बना लिया है, ये हमारा कीप टाइप का बन गया है। अब इसको हम आयरन से सोल्ड कर लेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं, इसको आयरन से हम सोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको कीप को हम यहाँ से इसको रिमाल के थोड़ा सा लगा लेंगे, ताकि इसमें आराम से जो है हमारा सोल्ड हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा ये कीप टाइप तैयार हो गया है। ये अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ये दूसरा अपना ये जो कैप है ये ले लेंगे इसको। तो दोस्तों दूसरा ये कैप है हमारा सेल का, इसको हम ले लेंगे, इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे इसको, ये अपने इसके बराबर का ग्लूस्टिक है ये हमारी, इसके बराबर का हम इसको ऐसे ही बराबर से कर लेंगे गोल टाइप का। तो दोस्तों इसको देख लीजिए, मैंने फोल्ड कर दिया है, अब बिल्कुल इसी साइज़ का हो गया ये। तो इसमें हमारे ग्लू स्टिक आराम से चली जाए। तो ये इसमें जो साइज़ का बड़ा है, यहाँ से हम इसको मार्क कर लेंगे, इसको यहाँ से इतना काट लेंगे, इसको इतना यहाँ से इसको काट लेंगे, इसका बड़ा आ रहा था थोड़ा, काट लिया हमने, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही आ जाएगा। अब जो है इसको हम शोल्डर की मदद से जोड़ लेंगे इसको, उसको उसको हम यहाँ से शोल्डर की मदद से आयरन की मदद से इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ताकि ये मजबूत हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा सेल का कवर तैयार हो गया है, इसमें हमारी ग्लू स्टिक चली जाएगी आराम से। तो ये हमारा ग्लू स्टिक चली जाएगी, और जो हमने बनाया था पहले आपको दिखाया था ये हमने बनाया, अब हम इसको यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, तो पूरी ग्लू स्टिक हमारे यहाँ से आराम से चली जाएगी। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ लेंगे इसको, दोनों को इसमें जोड़ लेंगे। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से जोड़ लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए मैं पेस्ट लगा देता हूँ इसको जोड़ने के लिए, इसको अच्छी तरीके से यहाँ से जोड़ लेंगे, यहाँ से जोड़ लेंगे। तो हमने जोड़ लिया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा, और इसमें ये हमारा ग्लू स्टिक है, ये आराम से यहाँ पर चली जाएगी, ग्लू स्टिक हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्या करना है आपको वो मैं जरूर बताता हूँ। मैं तो क्या करना है आपको, ये पेंसिल है, पेंसिल को आपको छीन लेना है, पेंसिल को यहाँ से छीन लेंगे, निकाल लेंगे, सेनार निकाल लेंगे। आपको पेंसिल का ये 2 सेंटीमीटर कम, 2 या 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ले लें आप, 2 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये मैंने इसको छीन लिया है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर हम काट लेते हैं। दोस्तों हमने पेंसिल का ये राड निकाल लिया है,
और इसको क्या करेंगे, दोनों सिरों का हल्का हल्का काट लेंगे ताकि यहाँ पर हम वायर बांधेंगे तो वायर लगाने में कोई दिक्कत ना हो, वायर सरके ना हमारा, तो हल्का हल्का इसको यहाँ से हम थोड़ा काट लेंगे। दोस्तों पेंसिल के आर पर हमने ये दोनों वायर लगा लिए हैं, एक को थोड़ा बड़ा रखा है एक को छोटा, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर पीसीबी में डाल देंगे। दोस्तों इस पर हम यहाँ डाल देंगे ये, दोस्तों क्या करेंगे हम इसको, ये हमने देख लिए राड लगा लिया है, इस पर दोनों वायर लगा लिए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों वायर यहाँ से हम इस वायर को यहाँ पर इसको सोल्ड कर देंगे इस पर, इसकी बॉडी पर। तो देखिए आपको लगाकर दिखाते हैं अभी हम कैसे हम ये अपनी जो पेंसिल का राड हमारा है इस पर दोनों वायर लगा दिए कापर के हमने। तो इस पर क्या करेंगे हम इसको अपनी कटे टीन के सेल के इससे ही यहाँ पर इसको रोक देंगे और ये यहाँ से रुक जाएगा, तो यहाँ से इससे करके और इसको सोल्ड कर देंगे तो ये रुक जाएगा, तो हम इसको यहीं से ही जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमने एक पट्टी लगा दी यहाँ पर ये, और एक और लगा देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा, इसमें रुक जाएगा आराम से, क्योंकि ये हीट होगा तो अगर कुछ और लगाते हैं इसमें तो वो गर्म होकर पिघल सकता है, तो ये इसको मजबूती देगा तो इससे ही असर नहीं होगा इससे गर्म होने का कोई, तो इसको ही लगा देते हैं, एक और पट्टी लगा देंगे तो बिल्कुल ही मजबूती हो जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिए हमने इसको यहाँ पर मजबूत कर लिया है, ये लग गया है। इसके एक वायर को हम इसकी ही बॉडी में सोल्ड कर देंगे, तो इसको एक वायर को हम इसको सोल्ड कर देते हैं इसमें। तो देख लीजिए हम इसको यहाँ से सोल्ड कर देंगे एक वायर को इसे, तो यहाँ से ये हमें देख लीजिए आप ये एक वायर सोल्ड कर दिया, और एक वायर की सप्लाई हम अपने केबल पर ले लेंगे। दोस्तों आपको एक 5 ml का ये सिरिंज ले लेना है और इस सिरिंज से ये निकाल लेना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको ये इसका फेस काट लेंगे यहाँ से, तो हम देखिए इसको काट लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हमने इसको लगा लिया है ये, अब ये रेडी हो गया। इसमें क्या करेंगे हम पेंसिल ले लेंगे ये, दोस्तों इसमें हम एमसील लगा देंगे ये, ताकि ये गर्म होगा तो इस पर ही हमारा जो है कोई असर ना हो, तो हम इसमें एमसील लगा देंगे। तो दोस्तों डाटा केबल हमने ले लिए, डाटा केबल का कनेक्शन हम इसमें कर लेंगे, जो हमने एक वायर इसमें सोल्ड किया था इसकी बॉडी पर, एक वायर उसमें लगा देंगे हम, और दूसरा वायर हमारा ये दिख रहा है इसमें सप्लाई का, तो इसमें लगा देंगे हम। तो हम देख लीजिए इसको पहले सोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर इसकी बॉडी पर, जो हमने इसके कीप नंबर लगाया था इस पर सोल्ड किया था हमने इसको वायर को, अब इसी पर हम सोल्ड कर लेंगे। दोस्तों हमने ये वायर लगा लिए यहाँ पे, कनेक्शन कर लिया है, एक वायर हमारा ये फ्री था और एक वायर हमारा बॉडी में सोल्ड था, तो हमने उसमें बॉडी में ही कनेक्शन कर दिया, एक कर दिया, इसको डाटा केबल लगा लिया हमने, और इसको टेप की मदद से यहाँ पर हम इसको लिपटा देंगे। दोस्तों ये हमारा ये ग्लू गन तैयार हो गई है, तो ये डाटा केबल हमारा ये, इसमें हम चार्जर लगा देंगे। ये 2 एम्पीयर का चार्जर है हमारे पास, आप 2 एम्पीयर का हो या 2.5 एम्पीयर हो, आप 3 एम्पीयर लगा सकते हैं इसमें आराम से, तो आपका ये ग्लू गन बिल्कुल सही काम करेगी। तो आप देखिए लगा कर चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमने चार्जर लगा लिया अपना, ये देख लीजिए मेरी हीट हो रही है, ग्लू गन हमारी हीट हो रही है, कुछ देर बाद हमारा ग्लू से निकलने लगेगा। तो देख लीजिए मेरे पूरी तैयार है ये, हीट हो जाएगी पूरी, देख लीजिए दोस्तों ये हमारा ग्लू निकलने लगा इससे। दोस्तों देख लीजिए ये हमारे ग्लू गन तैयार है बिल्कुल भी, देख लीजिए आप रेडी हो गई, तो खुद भी जोड़ सकते हैं इससे आराम। दोस्तों ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।